हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स। वत्स साहब, ये जो संसद हम देख रहे हैं, मानसून सत्र चल रहा है, सरकार को कई बिल लाने हैं लेकिन लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। देखो, आई विल से इर्रिस्पॉन्सिबल विपक्ष, यानी विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बात है ये। अदरवाइज विपक्ष आए, सरकार को क्रिटिसाइज करे, संसद चलने दे। अब विपक्ष का काम तो ये हो गया कि चाहे कोई भी बात हो, सरकार के काम में रोड़ा अटकाना, ये अनपार्लियामेंट्री है। बल्कि मैं कहूँगा कि जो डिसिप्लिन मेंटेनिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे कई स्टेट असेंबलीज में मैंने देखा, हरियाणा असेंबली में देखा कि एक दफ़ा तो उनको बहिर्गमन का आदेश दे दिया जाता है, अगर वो फिर भी बाज नहीं आते तो उठा के बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह पार्लियामेंट का डिसिप्लिन बरकरार रखना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका पूरे देश पे बड़ा बद असर जाता है। यानी उसको स्कूल में बच्चे भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, और इवन सेना के यंग अफसर्स जवान भी देख रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट पंचायत में ये क्या हो रहा है। तो मैंने तो सवाल भी उठाया है पार्लियामेंट में कि द पार्लियामेंटेरियंस नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। जो नए मंत्री बने उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाया इस बार संसद में। हाँ, इंट्रोडक्शन में भी व्यवधान पैदा किया अपोजिशन, और जो मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल मुद्दे उठाए हुए हैं। मेन मकसद है कि संसद ना चले, प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए था मिनिस्टर्स का। प्राइम मिनिस्टर लाए थे इंट्रोड्यूस करने नए मंत्रियों को, मगर व्यवधान पैदा हुआ, अब उस व्यवधान में इंट्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। लेकिन सर, वो विपक्ष का कहना है कि मुद्दे इतने गंभीर हैं, महंगाई का, कोरोना प्रबंधन का, वैक्सीन का, किसानों का, तो और हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। कोरोना प्रबंधन पे डिस्कशन हो चुकी, 5 घंटे की डिस्कशन हुई, 4 घंटे की माना था, और उस पर डिटेल्स में अपोजिशन भी बोली, खड़गे जी भी बोले, और अपोजिशन के नेता भी बोले, रामगोपाल जी भी बोले, और उनका जवाब भी बहुत अच्छा दिया सरकार ने। और इन टोटलिटी कंक्लूड ये हुआ कि ये एक पेंडेमिक दुनियावी आपदा है, यानी पूरे संसार पे आपदा है, और इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इस आपदा का मुकाबला किया जाए, और तीसरी लहर जो आने की संभावना है उससे कैसे निपटा जाए, इस पे अच्छा डिबेट हुआ। डिबेट कराने के लिए तो सरकार तैयार है, मगर हरेक इशू पे डिबेट हो जाए तो फिर सेशन वॉश आउट हो गया, फिर वो बिल जो अहम बिल लाने हैं, कानून में परिवर्तित करना है, 6 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किए हुए हैं, उनको एक्ट में तब्दील करना है। तो जैसा प्रोग्राम है, जैसा शेड्यूल है संसद का, सांसदों ने उसको चलाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए अपना पॉजिटिव योगदान देना चाहिए। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि भाई फोन टैपिंग हो रही है, वो तो आरोप गंभीर लगा रहे हैं। वो तो आई थिंक आईटी मिनिस्टर हैज क्लेरिफाइड, वो ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन दे दी गई है। आरोप तो कोई भी गंभीर लगा दो। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर सत्र की आने वाले दिनों में? देखो, वो तो आपने देखा कि उनके शोर शराबे के बाद भी कुछ एडजॉर्नमेंट्स तो हुई, मगर एक बिल पे चर्चा भी चल रही है और आधी चर्चा ख़त्म भी हो चुकी है। तो वो शोर शराबा करते रहे, पहले भी ऐसा हुआ है, जब कृषि बिल पास हुए तो शोर शराबा जारी था, मगर बिलों को पास कर लिया और उनको एक्ट्स में तब्दील कर लिया राष्ट्रपति की सैंक्शन से। तो इसी तरह से ये भी एक तरीका है कि माइक पे जो बोलेगा वही सुना जाएगा, और हमारी मेजोरिटी है और ठीक बिल हैं तो उन पे डिस्कशन होगी और उनको पास कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जनरल डीपी वत्स साहब थे, तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।